इंदौर में एक 4 मंजिला होटल की इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा शनिवार रात लगभग 9:30 बजे हुआ। एमएस होटल नाम की 4 मंजिला बिल्डिंग के निचले हिस्से में रेस्टोरेंट था और ऊपरी हिस्से में लॉज। चश्मदीदों के मुताबिक एक अनियंत्रित कार होटल से टकराई, जिसके बाद पूरी इमारत गिर गई। यहाँ पे एक जर्जर मकान था जिसमें 2-3 कमरे थे। यहाँ पे कार जो कि यहाँ पे आई और अनियंत्रित होकर उस बिल्डिंग से टकरा गई। जिस वक्त हादसा हुआ वहाँ होटल के बाहर काफी लोग मौजूद थे, क्योंकि होटल के पास ही बस स्टैंड है और वहाँ से होटल के पास लोगों का आना जाना लगा रहता है। होटल के नीचे कई गाड़ियाँ भी खड़ी थी, उनमें लोग भी बैठे थे। होटल का मलबा कारों पर भी गिरा, जिससे कई कारें दब गई। बिल्डिंग कितनी पुरानी थी और क्या कारण थे इससे बिल्डिंग नीचे गिरी, इस पर तफ्तीश जारी रहेगी, पर वर्तमान में फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशंस पे है। बचाव कार्य अभी भी जारी है, इसलिए मलबे में अभी और लोगों के दबे होने की आशंका है। सीबीएसई पेपर लीक मामले में बीती रात एसआईटी ने सीबीएसई हेडक्वार्टर जाकर जांच पड़ताल। रात 8:30 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली में सीबीएसई के मुख्यालय पहुंची और जांच की। एसआईटी ने सीबीएसई के बड़े अधिकारियों से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। सीबीएसई ऑफिशियल से हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने हमें काफी जो कुछ भी कोऑपरेट किया है और सारी जानकारी हमें दी है, तो इसी से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली पुलिस को उस विसल ब्लोअर का भी पता चल गया है जिसने पेपर लीक की जानकारी दी थी। पुलिस ने उस विसल ब्लोअर समेत 53 स्टूडेंट्स, 7 ट्यूटर और 6 व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में कई जगह छापे मारे। झारखंड के चतरा में भी 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें प्राइवेट कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर भी शामिल हैं। 9 छात्रों को भी जुवेनाइल एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। 9 लोग नाबालिग हैं, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो भी नियम कानून है उनके तहत उन लोगों को डिटेन किया गया और संबंधित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया गया है और उसमें जस्टिस रूम में भेजा गया। इस बीच पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। याचिका में पुराने पेपर के आधार पर रिजल्ट घोषित करने की मांग हो रही है। वहीं सीबीएसई ने सफाई देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा 12वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन पेपर फर्जी है। साथ ही सीबीएसई ने लोगों से अफवाह न फैलाने की गुजारिश की है। चीन डोकलाम में हर रोज नई चाल चल रहा है, जिसका जवाब देने के लिए अब भारत चीन की ही जुबान में जवाब दे रहा है। भारत ने तिब्बती क्षेत्र की सीमाओं पर अरुणाचल सेक्टर के दिबांग, दाऊ दिलाई और वहां के पर्वतीय क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक भारत सामरिक रूप से संवेदनशील तिब्बती क्षेत्र में सीमाओं पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने निगरानी तंत्र को भी मजबूत कर रहा है। सीमा की टोह लेने के लिए नियमित रूप से हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर रहे हैं। हमें हमारा कंट्री को प्रोटेक्शन करना चाहिए, उसका सुरक्षा देखना चाहिए, इसलिए वो काम कर रहे हैं, बाकी पूछते हैं। मुसुल में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर लाने के लिए विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह आज इराक जा रहे हैं। सोमवार देर रात या मंगलवार तक सभी भारतीयों के पार्थिव शरीर वतन लाए जा सकते हैं। वीके सिंह खुद अमृतसर, पटना और कोलकाता जाकर मृतकों के पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों तक पहुंचाएंगे। मृतकों में 27 पंजाब के, 4 हिमाचल प्रदेश के, 2 बंगाल के और 5 बिहार के रहने वाले थे। अभी तक 38 शवों की डीएनए जांच के बाद पुष्टि हो चुकी है, लेकिन 39वें शव की डीएनए जांच के बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है। कल जी न्यूज से खास बातचीत में वीके सिंह ने कहा था कि अगर ये साबित हो जाता है कि 39वां शव बिहार के राजू यादव का है तो वो उसे भी साथ लाएंगे। जी न्यूज से बातचीत में वीके सिंह ने यह भी कहा था कि सरकार को दुख है कि हम भारतीयों को जिंदा वापस नहीं ला सके। आज हम जा रहे हैं, जाकर उनको लेकर आएंगे और कल अमृतसर पहुंचेंगे, उसके बाद कलकत्ता जाएंगे, फिर पटना आएंगे, फिर वापस आएंगे। भागलपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत ने सरेंडर कर दिया है। पटना में देर रात अर्जित शाश्वत चौबे अपने समर्थकों के साथ महावीर मंदिर पहुंचे और मंदिर के गेट पर माथा टेकने के बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अर्जित के समर्थकों ने नारेबाजी की। अर्जित ने खुद को बेगुनाह बताया और ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही। आगे कोर्ट डिसीजन करेगा माननीय उच्च न्यायालय, और वहाँ पहले से हम लोगों ने अपना पक्ष दिया भी है इसको रद्द करने के लिए। जो पूरा FIR है वो फेक है, उसको रद्द करने की भी बात है। कल भागलपुर कोर्ट ने अर्जित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। 17 मार्च को भागलपुर में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि अर्जित ने भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। अर्जित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकता है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में पार्टी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, सांसद रूपा गांगुली, ओपी माथुर और वीडी राम शामिल है। ये प्रतिनिधिमंडल रानीगंज और आसनसोल में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेगा।
कई इलाकों में धारा 144 लगी हुई है, इसलिए पुलिस इन्हें दुर्गापुर में रोक सकती है। कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने भी रानीगंज और आसनसोल का दौरा किया था। राज्यपाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आई अपील ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू ऑल द कास्ट एंड कम्युनिटीज टू लिव इन हार्मनी, रिस्पेक्ट ईच अदर, रिस्पेक्ट द फेस्टिवल्स ऑफ ईच अदर। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन जुलूस निकालने को लेकर हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन धीरे धीरे हालात सामान्य होने का दावा कर रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि घाटी कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरी है। महबूबा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि आप टूरिस्ट की तरह आए और फिर सही लगे तो घाटी में वापस आए। हम बहुत मिस करते हैं इनको और कश्मीर के लोग भी बहुत मिस करते हैं, और हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बगैर नामुकम्मल है। और मैंने इनसे कहा कि आपको जो चाहिए, जहां जो चाहिए, जो आपको सुविधा चाहिए, कभी आपको कोई परेशानी है, हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही पीएम मोदी को पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए। नहीं, मेरा ये है कि बात करनी सीट जो है उसी पे बात करें कि क्यों मिलिटेंट भेजते हैं, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन बहुत हो रहा है, उस पे बात शुरू करें और उसके बाद सीज फायर के लिए बात करें, जैसे वाजपेयी जी ने किया था। उसके बाद सीज फायर हुआ था बॉर्डर्स पे, गोली बंद हो गई थी, लोग आराम से चैन से रहते। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कल कर्नाटक जागृति यात्रा पर मैसूर पहुंचे अमित शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने लिंगायत का कार्ड इसलिए चला ताकि येदियुरप्पा सीएम न बन पाए। ये कुछ और नहीं है, येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की साजिश है। अमित शाह ने लिंगायत को अल्पसंख्यक का दर्जा देने को लेकर कहा कि बीजेपी इस बारे में अपना पक्ष चुनाव के बाद रखेगी। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के इश्यूज को कभी भी चुनाव का हिस्सा बनाना नहीं चाहती है। चुनाव के बाद हम हमारा कंसीडर स्टैंड कर्नाटक की जनता के सामने रखेंगे। कर्नाटक सरकार ने लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का फैसला लिया है। इस बारे में केंद्र को भी सिफारिश भेजी जा चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर विपक्ष को बदनाम करने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार आजम खां को तंग करने के लिए जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है। कि ये सरकार केवल बदनाम करना चाहती है, ये सरकार लोगों को परेशान करना चाहती है, और इसी के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां साहब को ये जानबूझ करके परेशान करना चाहती है सरकार। आजम खान पर साल 2016 में हुई यूपी जल निगम की भर्तियों में घोटाले का आरोप है। नियुक्तियों के वक्त आजम खान यूपी जल निगम के चेयरमैन थे। यूपी सरकार ने अखिलेश के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अखिलेश यादव जी समय बेचैन, उनको अभी एक वर्ष बीतने के बाद भी आभास नहीं हो रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी नहीं, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। यूपी की एसआईटी ने सरकार से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी है। उत्तर प्रदेश में मूर्ति तोड़ने का सिलसिला नहीं थम रहा है। इस बार इलाहाबाद और सिद्धार्थनाथ नगर में शरारती तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया। इलाहाबाद के झूसी में शरारती तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी, सिर धड़ से अलग कर दिया। वहीं सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र में अंबेडकर की मूर्ति का दाहिना हाथ तोड़ने से तनाव बढ़ गया। हापुड़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाबा साहेब की जयंती के पोस्टर फाड़े जाने से ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हम 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में बाबा साहब के पोस्टर लगा रहे थे बैनर, और हम जैसे बैनर लगा के हटे थे उसके आधे घंटे बाद में वो बैनर फाड़ दिए गए। कांग्रेस ने घटनाओं पर सियासत की और बीजेपी पर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो समाज में घृणा का जहर घोला जाता है ये उसी का परिणाम है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के 2 पूर्व छात्रों को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अंकाला पृथ्वीराज और चंदन कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों छात्र हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस चांसलर पी अप्पा राव की हत्या करने के लिए जा रहे थे। दोनों हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं और ये दोनों रोहित बेमुला की मौत का बदला लेना चाहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों आरोपी छात्र माओवादी गुट से जुड़े हुए हैं और बस्तर के जंगल से एक माओवादी नेता से मिलकर लौट रहे थे। इनकी योजना थी कि वीसी की हत्या के बाद माओवादी गुट में नई भर्तियां की जाए, लेकिन पुलिस ने इनकी योजना पर पानी फेर दिया।
17 जनवरी 2016 को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। आरोप लगा था कि वाइस चांसलर अप्पा राव और एबीवीपी ने रोहित वेमुला को खुदकुशी के लिए मजबूर किया था। इसके बाद देश भर में छात्र आंदोलन तेज हो गए थे। मुंबई में हजारों मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले जुटी हजारों मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक बिल का विरोध किया। मुंबई के आजाद मैदान में महिलाओं ने बड़ी रैली की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि सरकार ट्रिपल तलाक बिल के जरिए इस्लाम के निजी मामलों में दखल दे रही है। महिलाओं ने सरकार से ट्रिपल तलाक बिल वापस लेने की मांग की। तीन तलाक के लेकर जो बिल इस वक्त राज्यसभा में है उसे वापस ले लिया जाए और मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी तरह की मदाखलत न हो। वहीं बीजेपी विधायक गोपाल शेट्टी ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं घर के पुरुषों के दबाव में बिल का विरोध कर रही हैं। इससे पता चलता है कि मुस्लिम समाज के बहनों पर अभी भी जो पुरुष लोग हैं जो महिलाओं के आज़ादी को नहीं मानते हैं उनका कितना दबदबा है, ये इससे पता चलता है। दिल्ली में एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस के लाठीचार्ज में कई परीक्षार्थियों को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में 200 से ज्यादा परीक्षार्थियों को हिरासत में ले लिया। दरअसल एसएससी के परीक्षार्थी संयुक्त ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में धांधली के खिलाफ संसद मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे थे, फिर प्रदर्शनकारी अचानक कनॉट प्लेस की तरफ जाने लगे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। दिल्ली पुलिस के प्रदर्शनकारियों पर हाथापाई करने का आरोप लगाया है। प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा है, हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे। क्या हम अपनी मांगों को पूरी नहीं कर सकते? अधिकार नहीं हमें, राइट टू फ्रीडम कुछ भी नहीं हमें। बताइए आप हमें, मेनस्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? हमारे सभी पे हुआ, हम सभी पे हुआ। हाँ बिल्कुल, हम सभी पे हुआ है लाठीचार्ज। प्रोटेस्ट जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। एसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ 27 फरवरी से दिल्ली में देश भर से आए परीक्षार्थी एसएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने जो पुलिस से गुत्थमगुत्था की, पुलिस की ड्यूटी में काम करने में बाधा डालने की कोशिश की, उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यूपी के गाजियाबाद में बच्ची से रेप के आरोपी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। भीड़ ने आरोपी को इतना पीटा कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मामला गाजियाबाद के लोनी इलाके का है। दरअसल इलाके में एक जागरण हो रहा था। आरोपी जितेंद्र अपनी पत्नी और पड़ोस में रहने वाली 8 साल की बच्ची के साथ जागरण में पहुंचा था। आरोप है कि उसने बच्ची को अकेला ले जाकर उसके साथ रेप किया। बच्ची की आवाज़ सुनकर जब लोग पहुंचे तो उन्होंने आरोपी को पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। अपने झोपड़ी में उसके साथ चलो जागरण देखने जा रहे हैं। हमारा बहन का, छोटी वाली बहन का रेप कर दिया उसके साथ। राजधानी दिल्ली में आज से यूरो 6 मानक वाले पेट्रोल डीजल की सप्लाई शुरू हो गई। दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां यूरो 4 मानक ईंधन का प्रयोग बंद कर सीधे यूरो 6 मानक वाले पेट्रोल डीजल को इस्तेमाल में लाया गया है। तेल कंपनियों ने आज से दिल्ली में यूरो 6 मानक के डीजल और पेट्रोल की सप्लाई शुरू कर दी है। इसके लिए अलग से कोई कीमत नहीं वसूली जाएगी। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मुंबई समेत 13 प्रमुख शहरों में अगले साल जनवरी से यूरो 6 मानक ईंधन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंचने की वजह से ये फैसला लिया गया है। यूरो 6 मानक के ईंधन के इस्तेमाल से प्रदूषण में काफी कमी आएगी। राजस्थान के झुंझुनू में डैम टूटने से करोड़ों लीटर पानी बह गया। प्रशासन कई घंटे बाद बहाव को रोकने में कामयाब हो पाया। पानी की उफनती लहरों को रोकने में प्रशासन को करीब 7 घंटे लगे। इन 7 घंटों में करोड़ों लीटर पानी बह गया। बताया जा रहा है कि मलसीसर के इस डैम में 8 करोड़ लीटर पानी था, लेकिन डैम के टूटने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पानी इतनी तेजी से निकला कि आसपास का सारा इलाका पानी में डूब गया। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का कार्यालय डूब गया। तहसील भवन और थाने में भी डैम का पानी आ घुसा। गाँव में भी पानी भर गया था। डैम टूटने से लोगों में दहशत का माहौल था, लेकिन प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद बहाव रोक दिया। करोड़ों लीटर पानी बर्बाद होने के कारण इलाके में पानी की समस्या खड़ी हो गई है। पिछले साल 13 दिसंबर को ही राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने इस डैम का उद्घाटन किया था, लेकिन 4 महीने से भी कम वक्त में डैम टूट गया। इन लोगों ने आनंद फानंद में जब मुख्यमंत्री महोदय का झुंझुनू के अंदर प्रोग्राम बन रहा था आने का, तो यहाँ पे हमारे प्रशासन के पास उनके उद्घाटन के लिए कोई भी चीज नहीं थी कि उसका उद्घाटन करवाया जाए, और ये बहुत जल्दबाजी के अंदर इस डैम का काम उन्होंने पूरा दिखाया है।
नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की स्वात वैली में अपने घर पहुंची तो उनकी आंखें भर आईं। तालिबानी आतंकियों के हमले का शिकार होने के बाद यह पहला मौका है जब मलाला अपने घर लौटी है। मलाला के घर तक की सभी सड़कों को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान में मलाला को सेना सुरक्षा मुहैया करा रही है। पाकिस्तानी सेना ने स्वात के इलाके को तालिबान के कब्जे से 2009 में छुड़ा लिया था। 2012 में मलाला पर हुए हमले की जिम्मेदारी तालिबानी ने ली थी। छात्राओं की पढ़ाई के हक में बोलने के लिए तालिबान ने मलाला पर जानलेवा हमला किया था। मलाला इलाज के लिए ब्रिटेन गई थी और तब से वो वहीं रह रही थी। 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। अगर आपको अमेरिका का वीजा चाहिए तो आपको अपनी सोशल मीडिया से जुड़ी सारी डिटेल्स शेयर करनी होगी। अमेरिका ने अपनी वीजा पॉलिसी को और सख्त बना दिया है। अब अमेरिका के वीजा के लिए आवेदन करने वालों को अपनी सोशल मीडिया से जुड़ी सारी जानकारी देनी होगी। आवेदन करने वालों को पिछले 5 साल के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूजर नेम को साझा करना होगा। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। अब लोगों को अपने फेसबुक, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को अमेरिकी एजेंसियों से साझा करना होगा। अमेरिका के इस फैसले का लगभग 1,40,00,000 लोगों पर असर पड़ेगा। अमेरिका जिन 40 देशों को वीजा फ्री ट्रैवल की सुविधा देता है उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा। अमेरिका ने इस फैसले के पीछे सुरक्षा का हवाला दिया है। इसका मकसद अमेरिका में आने वाले लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करना है। चीन में दो घरों की दीवारों के बीच में फंसे हुए एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया। चीन के शांक्षी प्रांत में एक 3 साल का बच्चा दो घरों की दीवारों के बीच में फंस गया था। दीवारों के बीच सिर्फ 20 सेंटीमीटर का ही फासला था। ऐसे में कोई भी वहां जाकर बच्चे को निकाल नहीं सकता था। दीवारों के बीच में फंसा हुआ बच्चा लगातार चीख रहा था, इसलिए रेस्क्यू टीम ने संभल कर काम करने का फैसला लिया। एक दीवार में छेद किया गया और फिर धीरे धीरे दीवार को तोड़ते हुए बच्चे तक पहुंचा गया। इस तरह काफी मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम ने बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। बच्चा बाहर आया तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। बच्चा खेलते हुए दीवारों के बीच में जा फंसा था। इंडोनेशिया में एक आइलैंड पर लगी भीषण आग में झुलसने से 2 मछुआरों की मौत। ये तस्वीरें इंडोनेशिया के बोर्निया आइलैंड की हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक रही होगी। आग लगने के बाद आसमान में कई मीटर तक काले धुएं का गुब्बार छा गया। कई किलोमीटर दूर से भी काला धुआं देखा जा सकता था। दरअसल बोर्निया आइलैंड पर काफी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ फैल गया था, जिसके बाद वहां अचानक आग लग गई। आग में झुलसने से 2 मछुआरों की मौत हो गई। जहां आग लगी उससे थोड़ी दूर पर ही तेल रिफाइनरी भी है। हालांकि रिफाइनरी ने कहा है कि उसके डिपो से तेल का रिसाव नहीं हुआ। हादसे की असली वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है।